नमस्कार बच्चों व्रत सर्किल्स क्लास नाइन्थ के लिए इसमें बच्चों दस पॉइंट चार तक हम कर चुके थे और आज हम एक व्रत के चाव द्वारा अंतरित कौन को देखेंगे अच्छा कुछ हटाए गए हटाए गए पार्ट में इसमें से चक्रीय चतुर्भुज हटाया गया है चक्रीय चतुर्भुज लेकिन वो बीच बीच में कभी कभी आएगा चक्रीय चतुर्भुज तो हम देख लेंगे बच्चों समझना तो है ही आपको ठीक है देख लेंगे एक व्रत के चाप द्वारा अंतरित कौन और उनमें क्या क्या संबंध होता है यस और आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ये हमने किसी भी व्रत का आ, किसी भी त्रिज्या का एक व्रत बनाया किसी भी त्रिज्या का व्रत बनाया यस केंद्र निर्धारित किया और ये व्रत तैयार हो गया आप लोग सभी जानते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है ये जीवा है ये सभी आप लोग परिचित हैं अब देखिए बच्चों, यहां जो केंद्र बन रहा है ये केंद्र इस पे ये ए बिंदु और बी बिंदु से केंद्र पे कौन बन रहा है ए और ये बी ठीक है ये कोई केंद्र पे कौन बन रहा है जिसका नाम है AOB. बी कौन केंद्र पर बना कौन है और इसी ए बी चाप द्वारा यहां से यहां तक जो कौन बनेगा मान लीजिए ये हमने दूसरा कोई कौन बनाया शेष परिधि पे बना कौन तो इनमें एक रिलेशन होता है वापस से देखिए कौन एओबी केंद्र पर बना कौन और कौन एपी मान लेते हैं एपीबी शेष परिधि पे बना कौन है व्रत के अंदर इन दोनों कोणों में एक निश्चित संबंध होता है कि जो केंद्र का कोण है कोण एओबी वो डबल होता है एंगल एपीबी का यस yes, कौन AOB बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए अगर यहां पे ये 100 डिग्री है तो ये 50 डिग्री 50 डिग्री होगा अगर ये 70 है तो ये 35। और अगर ये कौन दे दिया ये कौन दे दिया तो उसका डबल ये वाला होगा अगर मान लीजिए ये आपको दे दिया 30 डिग्री तो ये साठ डिग्री होगा ध्यान रखना कितना डिग्री सिक्स जीरो सिक्सटी तो ये तो रही बात केंद्र और परिधि के कोण की एक बात हम और बता दें थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए हम फ्री हैंड से सर्किल बना रहे हैं यस ये ए बी है और ये कोण अगर हम इधर बनाएंगे ना बच्चों और एक इधर की तरफ बनाया ए और बी से तो इन दोनों में एक संबंध होता है क्या कि ये दोनों ही इस कोण के आधे हैं अगर ये 100 है तो ये भी 50 का और ये भी 50 का यहां तक तो कि अगर इधर हमने कोई कोण बना लिया तो वो भी 50 का यहां बनाया वो भी 50 का ये कोण कहलाते हैं ए की वृत्तखंड खंड के कोण क्या बोला मैंने एक ही व्रत खंड के कोण ये बराबर होते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट अगर मैं ए भी यहां जीवा खेच दूं, तो वो दो अलग अलग व्रत खंड बना रहा है यहां से यहां तक कोई भी चाहे बिंदु यहां लीजिए यहां लीजिए यहां लीजिए हंड्रेड का हाफ यानी फिफ्टी 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 ही होगा सभी लेकिन अगर हम इस दूसरे व्रतखंड में आ गए इधर की तरफ यह पचास का नहीं होगा अब आप में से कोई बता पाएंगे कि यह कितने डिग्री का होगा हां हां दिमाग पे जोर दीजिए अब बच्चों यह तो आपको मालूम है ना एक बिंदु पे बने कोणों का योग 360 डिग्री एक सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री वही बात यहां अगर ये 100 है तो इसकी जो दूसरी तरफ कौन है वो 360 सिक्सटी माइनस हंड्रेड टू होगा 260 डिग्री 260। तो ये 260 है तो उसका हाफ 130। इसमें ये भी ध्यान रखना बच्चों कि ये आ, इसका और इसका योग 180 होता है ये वो जो चक्रीय चतुर्भुज आप लोगों के हटाया गया उसी का एक पार्ट है कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण, यानी आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं टोटल 180 बनाते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा यस अब और देखें जरा मान लीजिए एक्स वाई जेड वाले सवाल कुछ आ गए आप लोगों के देखिए एक मैं समझा रहा हूं और एक फिर मैं दूंगा अब भी करना होगा आपको यस केंद्र है ए है बी है सी है और डी है यहां कौन एक्स है ये कौन Y है और ये कौन Z है X Y Z पहले थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए देखिए कितने कितने डिग्री आएंगे हम ये वाला कौन आपको दे रहे हैं पिछले वाला सवाल हमने 100 लेके आपको बताया था इस बार हम थोड़ा सा बदल रहे हैं ये वाला कौन 110 डिग्री ले रहे हैं इस 110 के आधार पे X Y Z तीनों कोण निकाल लीजिए हम दे रहे हैं आपको एक दो मिनट का वक्त फिर हम और प्रैक्टिस करवाएंगे ऐसे ही सवालों की। कीजिए Yes, बच्चों तो आप में से देखिए कितनों ने किया कितनों ने नहीं किया अभी चेक करते हैं देखिए बच्चों, मेथड कोई सा भी लगाइए चाहे पहले एक्स निकालिए चाहे पहले वाई निकालिए एक्स का मान 110 का आधा 1 बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन वन जीरो पचपन डिग्री अगर यही आपने निकाला है टिक कर लीजिए इधर इन दोनों का योग 180 डिग्री है हल्का फुल्का आप लिख दीजिए जिससे ये नहीं लगे कि आपने कहीं उत्तर कहीं नकल करके लिखे हैं 250 डिग्री और 250 का आधा जेड हो जाएगा जेड का मान 125 डिग्री में इसको और इसको अगर हम टोटल करें तो 180 डिग्री आ रहे हैं ठीक है बच्चों तो ये हुआ हमारे एक्स वाई जेड वगैरह कोण के मान निकालना क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 10.5 बची है उसमें इसी तरह के सवाल आएंगे कुछ इसका मान याद कीजिए इसका मान याद कीजिए आदि आदि एक प्रमेय ये वाली प्रमेय भी आज हम आपको सिद्ध करना बताएंगे ठीक है पहले हमने इसमें अर्थ बताया एक सवाल हम और देंगे बच्चों जिससे आपके अर्थ क्लियर हो यस yes, एक और बनाइए एक्स वाई जेड के मान निकालिए जल्दी से यस yes, इधर का कौन इस बार हम देंगे ये एक्स है ये वाई है और ये कौन जेड है ये कौन हम आपको दे रहे हैं 40 डिग्री एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए एक दो मिनट का कीमती वक्त आप लोगों को दिया जा रहा है इस हेतु यस कीजिए एक्स वाई जेड का मान यस yes, बच्चों अब तक आपको निकाल लेना चाहिए था ये ज्ञात कर लेना चाहिए था मान और अगर आप नहीं करते हो बच्चों सुनिए जरा आप चाहे वीडियो में देखिए चाहे किसी भी तरह से देखिए आप ये मान के चलिए साक्षात आपके आप और हम आमने सामने हैं बच्चों आनंद डबल आएगा यस yes, वाई का मान चालीस का डबल तो अगर आपने वाई का मान जीरो डिग्री लिखा है टू मल्टीप्लाई बाई फोर्टी बिल्कुल सही लिखा है 80 डिग्री एक्स का मान इन दोनों में रिलेशन 360 तो 360 सिक्सटी माइनस एटी आया 280 डिग्री जेड का मान जेड का मान एक्स का आधा ध्यान रखना बच्चों इधर वाला कौन इसका आधा ये वाला कौन इसका आधा ठीक है तो हाफ ऑफ एक्स एक्स मींस 280 तो ये 140 डिग्री हो गया क्रॉस टैली इसको और इसको इसका मान 140 है ना इसका टोटल 180 चक्रीय चतुर्भुज जो आप लोगों के सिलेबस में से हटा है थोड़ी जानकारी कुछ प्रमेय की तो होने ही चाहिए बच्चों आप लोगों को कि इन दोनों चक्रीय चतुर्भुज के अमे वो के कोण सम्पूरक होते हैं आमने-सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है 180 होता है ध्यान रखिएगा ठीक है यस अंतराल से पहले एक और दे, दे तो बहुत अच्छे देखो कई बच्चे तो बहुत तैयार है कि सर दीजिए ना और फिर हम इस प्रमेय का आपको प्रूफ भी समझाएंगे बच्चों और इसको हम घुमा भी सकते हैं ध्यान रखना ए बी सी और ये डी ऐसे ले लिया इस बार ये ओ बिंदु है और ये x है ये y है ये z है अब की बार ये कौन नहीं ये कौन दे रहे हैं ये है तो इसी तरह का बच्चों केंद्र का कौन मिले तो ऐसा और ये इस तरह का सवाल है या हम आपको दे रहे हैं वन थ्री फाइव एक सौ पैंतीस डिग्री आपको ज्ञात करने सवाल में x, y और z के मान एक्स वाई और जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं और मिनट मिल रहे हैं इसके लिए एक दो, दो मिनट पर्याप्त है अंतराल वाले देख लीजिए एक बार नोट कर लीजिए आप लोग फिर कहेंगे कि सर आपने अंतराल के अंदर बताया नहीं सवाल का क्या था ये एक्स है ये वाई है ये जेड है केंद्र पे ऊपर की तरफ ये वाई दिख रहा है और नीचे जेड दिख रहा है ये एक्स है ये एक डिग्री आपको एक मान दिया है ठीक है आपने संभवतः नोट कर लिया होगा एक इसका डबल ये 380 में से 360, 380 नहीं होता बच्चों 180 होता है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा इसका आधा ये, क्रॉस टैली ये कुछ बच्चे इसका वैसे फायदा भी उठा लेते हैं कि सर ये 135, तो ये 45 आया सर 180 से माइनस किया तो बिल्कुल आया और ये कितना 45, 45 का डबल ये 90, इसका डबल 270 तो आंसर तो हमने बता दिया फिर भी आपको वक्त दे रहे हैं एक दो मिनट का आप उतारिए नोट कीजिए और हम मिलते हैं एक दो मिनट के अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आईसीटी क्लासेस में बच्चों सुनिए जरा आपको हमने बताया था एक्स आप सीधा इससे भी निकाल सकते हैं 180 में से जो क्रॉस रैली करते हैं वहां से भी माइनस कर सकते हैं 180 -135, 45 डिग्री 45 और जो जेड है वो एक्स का डबल वाई किसका डबल 135 का किसी भी सीक्वेंस में निकाल सकते हैं 135 सौ गुणा दो दो गुणा एक यानी 270 और जो Z है Z X का डबल X का डबल यानी दो गुणा X का मान 45 बच्चों Z ये रहा 45 का डबल 90 डिग्री इस बार क्रॉस यहां से कर लीजिए इन दोनों का टोटल 360 हो रहा है या नहीं हो रहा है इनका टोटल 360, इनका टोटल 180। ध्यान रखिए अब हम इस प्रमेय को आपको प्रूफ के माध्यम से इसका प्रमाण क्या है वो उससे समझा रहे हैं यानी कि ये पेज नंबर आप लोगों का 216, 216 होता है छह का क्यूब 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स प्राइम फैक्टर करें तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुना तीन पता होना चाहिए अंक देखते ही दिखना चाहिए और 200 सो का जो आधा होता है 108 और प्रमेय 10.8 वही फिगर दिख रहे एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है यह आप लोगों को आकृति 10.28 में 10.28 में तीन डायग्राम बताए हैं लेकिन हम आपको एक ही फिगर से समझा रहे हैं जो फर्स्ट वाला फिगर है ठीक है देखिए और इसमें जैसे दे रखा है आ, हम थोड़ा सा इजी करके बता रहे हैं। कौन एक कौन दो कौन तीन इस तरह के नाम देके उसको आसान बना सकते हैं देखिए कैसे प्रमेय 10.8 दिया क्या है दिया है एक व्रत जिसका केंद्र ओ है तो है ना बच्चों आप लोगों को एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है इसमें कौन एओबी केंद्र पर बना कौन केंद्र पर बना कौन तथा तथा कौन एपीबी शेष परिधि पर बना कौन है शेष परिधि पर बना कौन है इसमें एक बात का ध्यान रखना है बच्चों आपको कि चाप ए बी द्वारा ही बनने चाहिए ये दोनों कौन किसके द्वारा चाप ए बी के द्वारा इस बात का ध्यान रखिए ठीक है सिद्ध क्या करना है ये सिद्ध करना है ये इधर लिखा हुआ मान लीजिए आप लोग टू प्रूव ये हमें सिद्ध करना है कौन एओबी बराबर ट्वाइस ऑफ एपीबी इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा किया वो कहलाता है रचना तो रचना में हमने क्या किया इस पी को से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दिया पी को, यस ओ से मिलाते हुए ये ई यहां ले लीजिए ई बिंदु तक बढ़ा दिया अब ये कोणों के नाम लिखे हमने इधर का कोण एक इसका कोण दो ये कोण तीन और ये वाला कोण इधर ले लेते हैं कोण चार इधर पांच और इधर कौन छह शेष बचो इधर कौन एक दो तीन चार पांच सुनिए जरा ये हम रचना में लिख देते हैं बिंदु P को केंद्र O से मिलाते हुए ई तक बढ़ाया ई तक बढ़ाया ठीक है कौनों के नाम अंकित किए ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है अब देखिए उपपत्ति सबसे कीमती जो इसमें पार्ट होता है उपपत्ति प्रूफ होने में तो सभी कीमती है कभी भी प्रमेय को आप बिना चित्र के सॉल्व मत किया करो डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है पहले हम ले रहे हैं इधर वाला लेफ्ट वाला त्रिभुज ओ पी में ओ ए बराबर ओ पी कारण एक ही व्रत की त्रिज्या है त्रिज्या है ठीक है इसलिए जब किसी त्रिभुज में दो बुझाएं बराबर होती है तो एक प्रमेय आपने सात पॉइंट दो सात पॉइंट तीन पढ़ी थी, थी सातवें चैप्टर में कि समान बुझाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं क्योंकि वो त्रिभुज सम द्विभाव त्रिभुज हो गया तो इसलिए कोण एक बराबर कोण दो परंतु बच्चों एक प्रमेय आपने ये भी पढ़ी है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अगर मान लीजिए ये कोई हम त्रिभुज बना रहे हैं और इसमें ये एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं बहिष्कोण। तो इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है इसको कहते हैं बहिष्कोण का मान अंतरिमुख कोण के योग के बराबर होता है तो यहां इसमें बहिष्कोण कोण बन रहा है कोण तीन परंतु बहिष्कोण कोण कौन? कौन तीन बराबर कौन एक प्लस कौन दो ध्यान रखना बच्चों कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हां दो और एक मिलके तीन होता है कोणों के नाम है मान नहीं है ठीक है तो ध्यान रखिए कोण तीन बराबर कोण एक प्लस कोण दो बहिष्कोण की वजह से अब कोण तीन बराबर हमारे को जो सिद्ध करने में दो और पांच की जरूरत नहीं है तो दो के बराबर एक है तो कौन तीन बराबर कौन एक प्लस कौन एक यानी कि कौन तीन बराबर दो कौन एक समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर एक ठीक इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे बच्चों इसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं लिख रहे बस इतना लिख रहे हैं कि त्रिभुज ओ बीपी में क्या क्या बराबर है वही भी बराबर ओ पी एक ही इतने से समझ जाएंगे आप एक ही व्रत की त्रिज्या है अरे लिखा ना ओ ए बराबर ओ पी यही बात यहां है तो इसलिए कौन से कौन बराबर हो गए कौन चार बराबर कौन पांच परंतु बहिष्कोण इस बार बहिष्कोण कौन, कौन सा बन रहा है कौन बराबर कौन चार प्लस कौन पांच तो कौन बराबर कौन चार प्लस कौन चार कौन छह बराबर कौन चार प्लस कौन चार तो कौन छह बराबर हो गया हमारा दो कौन चार समीकरण नंबर दो ये समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो ठीक है अब हम क्या करेंगे समीकरण एक व समीकरण नंबर दो को जोड़ देंगे समीकरण एक व समीकरण नंबर दो को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा और राइट राइट में जुड़ेगा। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर दिया है का पार्ट हम मिटा रहे हैं इस जगह लिख रहे हैं एक बार मिटाने से पहले हम थोड़ा सा तेजी से समझा दें। दस पॉइंट आठ हम समझा रहे प्रमेय में क्या है किसी चाप द्वारा किसी व्रत में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है यानी हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है प्रूव क्या करना है कि कौन एओबी बराबर दो कौन एपीबी इसके लिए दिया है सिद्ध करना है और रचना आपको बताई हमने उपपत्ति के हम पद लिख रहे थे आप देखिए यस थोड़ा सा ही इसमें बाकी है क्या लिखना होगा समीकरण एक व दो को जोड़ने पर तो लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में जोड़ा इधर कौन तीन प्लस कौन छे, बराबर दो कौन एक प्लस दो कौन चार दो कॉमन तो ब्रैकेट में कौन एक प्लस कौन चार अब सुनिए बच्चों कौन तीन और छह है कहां ये रहे इन दोनों को मिला के हम ए बी लिख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था एक और चार कहां है ये रहे इन दोनों को मिला के हम कौन एपीबी लिख सकते हैं बस यही तो सिद्ध करना था अतः अतः अत है कौन ए ओ बी बराबर दो कौन इति सिद्धम अर्थात यही सिद्ध करना था तो एक बार वक्त हमारा कंप्लीट होने वाला है एक बार पुनः उपपत्ति के पद हम दोहरा देते हैं क्योंकि इसी तरह की जो आगे प्रमेय है कौन कौन सी एक बार स्टेटमेंट हम आपको बोल के बता देते हैं दस पॉइंट नौ एक ही व्रत खंड के कौन बराबर होते हैं अभी आपको याद हो तो एक हंड्रेड डिग्री उसमें एक ही व्रतखंड के कौन हमने बनाए थे और वो पचास 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 के आए थे वही प्रमेय 10.9 कह रही है 10.10 यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाले रेखा के एक ही और स्थित दो अन्य बिंदुओं से समान कोण बनाए तो चारों बिंदु एक व्रत पर स्थित होते हैं अर्थात चक्रीय होते हैं और फिर चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित प्रमेय है लेकिन प्रमेय के स्टेटमेंट तो आप समझ ही लीजिए दस पॉइंट ग्यारह जो प्रमेय है वो कहती है चक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग एक डिग्री होता है आमने सामने के कोणों का योग एक डिग्री होता है और दस पॉइंट बारह है प्रमे हैं यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग एक डिग्री हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है एक बात अभी प्रमेय में बच्चों पहले आई या नहीं आई यह ध्यान रखिए अर्धव्रत में बना हुआ कौन समकोण होता है वो ध्यान रखिएगा अगर कहीं पे आप लोगों को ये व्यास दिख रहा है यानी कि अर्धव्रत कौन मना अर्धव्रत बना और अर्धव्रत में जो कौन मना उसमें चाहे कहीं पे ये कौन दे चाहे नहीं दे ध्यान रखना इसका मान 9090 होता है 90 डिग्री होता है ठीक है बच्चों? आइए वक्त रहते हम इसको दोहरा लेते हैं कौन सी प्रमेय 10.8 को देखिए केवल उपपत्ति के पद हम ले रहे हैं रिविजन में त्रिभुज ओ ए पी लिया हमने लेफ्ट साइड वाला त्रिभुज ओ एपी में ओ ए बराबर ओ पी क्योंकि एक ही व्रत की त्रिज्या है परंतु बैषकोण ये वाला जो कोण है बैश्कोण बन रहा है तो कोण तीन इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है यहां जितने जितने भी डिग्री क्योंकि दोनों तो इक्वल है अगर यहां तीस है तीस है तो यह साठ डिग्री होगा चालीस चालीस तो यह अस्सी डिग्री होगा ऐसे ही इधर की तरफ चार प्लस पांच वो कौन छह के बराबर होगा कौन चार प्लस कौन पांच ये हमारा दूसरा समीकरण बन रहा है ठीक है इसमें हमारे को कौन दो हटाना है उसकी जगह कौन एक गिराया एक और एक मिलके दो कौन एक हो गए बिल्कुल ऐसा का ऐसा हमारे दूसरे त्रिभुज में हुआ ओबी बराबर ओपी एक ही व्रत की त्रिज्या है इसलिए कौन चार बराबर कौन पांच परंतु बैश कौन कौन छह बराबर कौन चार प्लस कौन पांच अब हमने कौन पांच को हटा दिया पांच की जगह चार लगा दिया और फिर इन दोनों समीकरणों को अभी आप लोगों के सामने हमने प्लस किया और इस तरह से यह हमारा सिद्ध हो गया तो संभवतः ये प्रमेय आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी अगली क्लास में कुछ नया लेकिन हम फिर हाजिर होंगे ナマシカ。